बहुत बड़ी खबर भारत के लिए हमें सुनने को मिली है कि यूएस लॉ मेकर्स, यूएस हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके मुताबिक यूएस में 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दिया गया है और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ पूरे यूएस में 15 अगस्त की सेलिब्रेशन मनाई जाएंगी। अमेरिका में इलेक्शन हो, इंडिया में हो रहे हो। American lawmakers want to declare August 15 a national day of celebration in the US. This is to celebrate the world's two largest democracies. The resolution has been introduced in the US House of Representatives. दूसरी तरफ अगर हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो ट्विटर पर एक ट्वीट की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों ये गुलदस्ते होते हैं, ऐसी जो मुल्क होते हैं ना जहाँ इतनी ज़बानें बोली जाती हैं। फिबा तनेजा has become the new CF of Tesla. ये बहुत बड़ी बात है और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को दिया ही क्या है, आप मुझे बोलिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर किसी वर्ल्ड के कोने में टेररिज्म फैलाने की कोशिश किया। थर्ड सब, ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है, ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। पिछली दफा भी हमने देखा कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में भारत का कौमी तराना पढ़ा गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज टीवी में। दोस्तों, अमेरिका में भारत के स्वतंत्रता दिवस को यानी 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के जश्न के रूप में घोषित किए जाने का एक प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका के लॉ मेकर्स के एक ग्रुप ने वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अमेरिका का निचली सदन बोला जाता है संसद का, उसके अंदर एक प्रस्ताव रखा है जिसके अंदर ये कहा गया है कि भारत और अमेरिका दोनों एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, उसको दोनों देशों का एक राष्ट्रीय दिवस के जश्न के रूप में घोषित किया जाए। दोस्तों, इस प्रस्ताव को रखने का कारण भारत और अमेरिका की एक मजबूत साझेदारी बताया गया है और इससे दोनों देशों के संबंध और भी आगे बेहतर होंगे और दोनों देश एक बहुत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। कदम से भारत और अमेरिका के द्वारा किए गए लोकतांत्रिक और वैश्विक शांति के प्रयासों को और भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इस प्रस्ताव को अमेरिका के और भी कई सांसदों का समर्थन है और इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया भी सख्ते में आ गया है, तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। तो चलिए जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। बड़ी खबर भारत के लिए हमें सुनने को मिली है कि यूएस लॉ मेकर्स, यूएस हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके मुताबिक यूएस में 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दिया गया है और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ पूरे यूएस में 15 अगस्त की सेलिब्रेशन मनाई जाएंगी, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और ऑनर किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और इंडिया को भी। दूसरी तरफ अगर हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो ट्विटर पर एक ट्वीट की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले सर आपसे जानते हैं। अच्छा, देखें बात कि अब ये इस पे तो कोई तबसरा करने की जरूरत ही नहीं। देखिए, 14 अगस्त था ही ब्लैक डे क्योंकि 14 अगस्त को हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को अंग्रेजों ने अपने सहूलतकार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिलके काटा। तो ये बड़ा फर्क है ना, ये जाहिर है। और अब पांचवी सुपर पावर है, जो मैंने तो 2019 में आपको वीडियो भेजा जिसमें 2019 में एडिनबरा में भारतीय काउंसलेट के सामने मैंने तकरीर की और मैंने कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया की इकोनॉमिक पावर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो 2019 जो है वो 4 साल पहले था, ये तो पिछले 1.5-2 साल में इकोनॉमिक पावर का दुनिया ने देखा है ना तमाशा। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूं, तो अब उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यही वजह है कि जो आपके अमेरिका है वहां पे, यूके में, यूरोप में, हर जगह पे इंडिया की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ अकम्प्लिशमेंट, एज अ सक्सेस स्टोरी, फ्रॉम रैग्स टू रिच स्टोरी। देखे ना, जब आप किसी तालाब में छलांग मारते हैं तो कभी कभी वो नीचे जो तालाब के नीचे जो पौधे उगे होते हैं पानी में, वो पाँव में उलझ भी जाते हैं ना। पाकिस्तान वो है, हिंदुस्तान के पाँव में उलझे हुआ वो घास फूस है तो काट देंगे, साइड में कर देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक भी है ना, क्योंकि पाकिस्तान बात नहीं आता आतंकवाद करने से, वो बात नहीं आता। अभी फिर आप देखें कि
5 अगस्त को हम खुशियां मना रहे हैं, श्रीनगर में जश्न मना रहे हैं, इतना लंबा तिरंगा लेके तो वहां जुलूस निकला, हर जगह मिठाइयां सेवइयां पक रही थी, और पाकिस्तान ने क्या किया, अपने आतंकवादी भेजे। वो तो भला हो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने 3 तो नीचे गिरा दिए, और अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों ने खबर छापी 3 मासूम कश्मीरी शहरियों को भारतीय फौज ने बर्बरियत का निशाना बनाया। मेरे लिए भी खुशी की बात भी है, और कुछ सवाल भी मेरे जहन में नए आ गए हैं कि विभा तनेजा हैज बिकम द न्यू सीएफ ऑफ टेस्ला। ये बहुत बड़ी बात है, और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम, और उससे पहले भी जो उनके सीएफ थे एक, उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम। तो मेरे लिए बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at Tesla, लेकिन साथ question mark भी है कि क्यों ये सारा कुछ border के दूसरी side पर होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ Ivy League स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा question करूँगा, money laundering के अलावा कुछ नहीं सीख रहे, क्या बचा है? सब ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है, ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो और आई, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं कई जगहों पर जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं कि माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम हियर, या तो फिर आइडेंटिटी सामने आना, उनको उनको इतना शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में, और या फिर उनको माँ बाप जो है वो प्राइड ही नहीं दे पाते उनको कि पाकिस्तान जिस तरह हालत है, या तो भी मेरी अपना सेल्फ क्रिएटेड एक्सक्यूज है, लेकिन क्या वजह है इसकी मेरे को समझ नहीं आई कि, या फिर मैंने आपको कहा था चीमा साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, मैं बल्कि अक्सर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लास्ट नेम पे प्राइड रखा करें, आप जो कुछ भी हैं, खुदा ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत और वेरी इंटेलिजेंट बनाया है, जैसा भी हो जो कुछ भी हो, मैं जितना आपसे बोलता हूँ पाकिस्तान के पाकिस्तानी लुटेरों के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरी बदर, मेरी मादर मिलत, मेरी जान है पाकिस्तान है, माई एग्रेशन टुवर्ड्स द पीपल, दोज आर लूटिंग माई मदर लैंड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जो ये प्रस्ताव अमेरिकी संसद में रखा गया है, इसके पीछे और भी एक बड़ा रीजन है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और कुछ ही समय में ये दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक सुपर पावर में आ जाएगा, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते और अच्छे बने, और उनके जो उनके अभी कुछ ही समय में जो कुछ ये डील्स फाइनल हुई है डिफेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, तो अमेरिका यही चाहता है कि भारत के साथ जितना ज़्यादा हो सके उनके रिश्ते और भी मजबूत बनाए जा सके, और कई क्षेत्रों में ये साझेदारी में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक ये अच्छी बात है कि अमेरिका जैसा बड़ा सुपर पावर है जो वो इंडिया के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इंडिया का जो नेशनल डे है 15 अगस्त को, और ये भारतीयों के लिए एक सम्मान की बात भी है, वहीं पाकिस्तान का जो 14 अगस्त का जो दिन है उसको ब्लैक डे के रूप में, एक ट्विटर के ऊपर इसका एक ट्रेंड चल रहा है, उसको 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान का अलग होना एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी जिसका आज भी सभी को अफसोस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखना। तो चलिए जल्दी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।